मधेपुरा पुरैनी प्रखंड के गौशाला परिसर में बुधवार को बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। एनडीए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने किस प्रकार पूरे विश्व में अपने कद को बढ़ाया है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। राज्य व केंद्र सरकार ने वार्ड स्तर के जनप्रतिनिधियों को एक मजबूत ताकत बना दिया है, जिसकी वजह से राहु और विकास की गंगा बह रही है। जदयू प्रखंड अध्यक्ष शैलेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष सुदेश यादव, प्रोफेसर मिथिलेश झा, प्रखंड जदयू मीडिया सेल प्रभारी गौरी शंकर झा, सुनील सिंह, चंदन सिंह, योगेंद्र राम, अररिया भाजपा जिलाध्यक्ष बिजली सिंह, मनोज सिंह, रंजन रवि, जवाहर मेहता, अनुज पासवान, पवन झा, रोशन कुशवाहा, मंटू यादव, अरविंद कुमार, विनोद कामरी निषाद, विपिन कामती, जुबेर आलम, मंगल कुमार, अभिमन्यु झा, नारायण चौधरी, मोनिया गांधी, निरंजन झा, नीतीश कुमार, पिंकेश कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। पाकिस्तान का बच्चा, चाइना का बच्चा जो फंसा हुआ था, वो हिंदुस्तान का झंडा लेकर निकला है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की ओर कच्चा की निगाह से देख रहा है कि मोदी जी चाहेंगे ये झगड़ा शांत हो जाएगा और मोदी जी चाहेंगे वहां से हमारे देश का बच्चा निकल जाएगा। इतना बड़ा मान और सम्मान हमारे मोदी जी ने इस देश को देने का काम किया, हमारा सीना चौड़ा करने का काम किया, इससे बड़ा मान सम्मान और कुछ नहीं हो सकता है कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि सबसे बड़ा ताकतवर अगर कोई है वो है नरेंद्र मोदी, वो है भारत का प्रधानमंत्री। ये हमारे लिए गर्व की बात है, इससे बड़ा सम्मान और गर्व कुछ नहीं हो सकता साथियों। और हम लोग यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसी तरह विकास का काम कर रहे हैं, उसी तरह अनुभव सबकी सेवा करने का काम करते हैं। बंधु हम बहुत छोटी मोटी बातों में नहीं जाते हैं, लोग कहते हैं मदद और सपोर्ट की बात। मुखिया जी ने जो कहा कि जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था बैठक, निरंजन नाम है, क्या नाम है, नवीन, नवीन, मैं नवीन के बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ। उसे पिछली बार टिकट मिला, उससे पहले वो जिला परिषद का सदस्य था, उसकी माँ थी और जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए प्रयास वो कर रहा था। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे पास आया, मेरे पैर में अटक के रोने लगा और बोला कि हमको आरजेडी का लोग जान मार देगा, हमको आपका मदद नहीं मिलेगा तो हमको कोई बचने नहीं देगा, लोग हमको जान ही मार देगा। और आपको विश्वास नहीं होगा ये बात कि हमने अपना प्राइवेट बॉडीगार्ड को छोड़ दीजिए, सरकारी बॉडीगार्ड उसको दे दिया उसके साथ में घूमने के लिए, और सरकारी मेरा बॉडीगार्ड तब तक रहा जब तक चुनाव उसका नहीं हो गया। इतना बड़ा एहसान फरामोश आदमी तो धरती पर नहीं देखे हैं कि अपने अपने हित के लिए फर्जी तरीके से लोगों को बुला करके वहां पर बैठाने का काम किया। ये मदद कोई कर नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति सरकारी बॉडीगार्ड को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। हम उस तरह का उसको मदद किए थे, इतना मदद कोई नहीं कर सकता है। और अपना अपना आदमी काम करते रहता है, लोग उसको टिकट मिल गया और अपने टिकट को सुनिश्चित करने के लिए लोगों को वहां पर बुला करके ठगने का काम किया, थोड़े करने का काम किया और वहां के पदाधिकारी को भी फर्जी बात कह करके बरगलाने का काम किया। हम जरूर ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि सरकार से जो काम होता है, मैं आपको तमाम जो हमारे प्रतिनिधि है हम उनको बता देना चाहते हैं कि आप जीते हैं अभी 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 आपके पास 5 साल का। जिला ब्यूरो अमीर आजाद, R9 भारत। पूर्वी चंपारण के चिरैया में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें वार्ड संघ के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी प्रसाद जी की अध्यक्षता में आगामी होने वाले MLC चुनाव में वार्ड संघ के नेता उदय जायसवाल को पूरे बहुमत के साथ जिताने का किया गया भरोसा। इस सम्मान कार्यक्रम में वार्ड संघ के अध्यक्ष उमा शंकर राम, प्रखंड अध्यक्ष चंदन जायसवाल, वार्ड सदस्य मणिभूषण जायसवाल, अखिलेश यादव, अन्य वार्ड सदस्य गण उपस्थित थे। चिरैया एवं ढाका से आए सभी नव निर्वाचित सदस्यों ने होने वाले चुनाव में उदय जायसवाल को अपना प्रत्याशी बनाने का वादा किया और मतदान तक साथ साथ रहने का एवं आने वाले 5 सालों तक रहने का वादा। आज जो है चिरैया की पावन धरती पर मतदाता मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और बिहार प्रदेश वार्ड सदस्य महासंघ द्वारा मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। इसी कड़ी में हम चिरैया के माननीय वार्ड सदस्य लोगों से मिलकर मैसेज देने आए हैं कि आप लोग जो है एकजुट होकर और वार्ड सदस्य संघ को मदद करें और सदन में पहुँचाकर वार्ड सदस्यों को मान सम्मान और अधिकार दिलाने में सहयोग करें। जीत कर यहाँ मैंने आप उदय जायसवाल जी अब जीत कर जब बोलेंगे आपका क्या लोगों का उम्मीद है? देखिए लोगों का उम्मीद जो है पहले से
ऐसा उम्मीद है 2016 से कंटिन्यू लगातार जो है हम संघ में काम करते रहे हैं और संघ के साथी मुझे जानते हैं और संघ के साथी को ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई MLC आता था तो मैं उसको पहचानता भी नहीं था, लेकिन मेरे बीच से अगर कोई MLC आ रहा है तो संघ में जो है खुशी है, वार्ड सदस्यों में खुशी का लहर है और पूरे ज़िले में वार्ड सदस्य जो है अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और उनकी इच्छा है कि हम लोग जो है सदन में अपने एक प्रतिनिधि को भेजें जिससे कि हम लोग का जो अधिकार में कटौती हुआ है, गली नली हो, मनरेगा में अधिकार हो, वेतन हो, पेंशन हो, सभी समस्या के निदान के लिए हम लोग जो है सदन में जाने के लिए इच्छुक हैं और सभी साथी हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मणिभूषण प्रसाद हुआ, मैं चिरैया वार्ड सदस्य संघ प्रखंड चिरैया के मीडिया प्रभारी हूँ। और उदय नारायण जी, MLC के प्रत्याशी के दावे कर रहे हैं और उन बताइए कि उनसे आपको क्या उम्मीद है। देखिए, उदय भैया जो MLC के प्रत्याशी के रूप में जब उन्होंने आह्वान किया तब से हम लोग को बहुत एक खुशी का लहर दौड़ गया है, क्योंकि उदय भैया एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने वार्ड संघ के लिए शुरू से आज से 5 साल पहले से घर घर जा करके वार्ड सदस्य को जागरूक करके और हमेशा वार्ड संघ के लिए लड़े हैं और वार्ड संघ के अधिकार को दिलाने का काम किया है। उसके पहले वार्ड सदस्य को कोई ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देता था, तब उदय भैया ने इनके लिए लड़ करके और वार्ड के अधिकार को दिलाया और वार्ड को मान सम्मान को बढ़ाया, इसलिए हम लोग उदय भैया को जो MLC में उन्होंने घोषणा किया है कि मैं लड़ूंगा, तब से हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे घर का कोई नेता लड़ रहा है। और ये नेता नहीं बल्कि हर एक वार्ड सदस्य के घर के भाई बेटा के समान है। दिनेश कुमार सिंह, R9 भारत, चिरैया।